असल में दो सगी बहनों के लटकने के मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी संजीव सुमन साहब है। सर, क्या अभी तक पूरे केस में फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं और आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, कल ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद परिजनों ने हमें FIR दी थी। FIR में उन्होंने एक नामजद किया था, छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम, जो उसी गाँव का रहने वाला पड़ोसी है, और 3 अज्ञात। छोटे सन ऑफ चेतराम से उठा के जब हमने पूछताछ की, सारी डिटेलें पूछताछ की, उसके संज्ञान में सारी घटना थी। उसने बताया कि इस घटना में 3 और लड़के थे, जिसका नाम अज्ञात में लिखवाया गया है इसमें। उनके नाम जो प्रकाश में आए वो थे जुनैद सन ऑफ इसराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन और हफीज़ुल रहमान उर्फ मझिलके सन ऑफ अजीज़ुल रहमान। छोटे ने ही इन लोगों की इनसे मुलाकात करवाई थी, इनकी दोस्ती करवाई थी कुछ दिनों पहले। उसके बाद ये लोग एक दो बार यहाँ पर आए थे। कल ये लोग मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ पे आए थे, उन्हें बहला फुसला के उन लड़कियों को लेके गए हैं, किसी और बहाने से लेके गए, फिर ये लोग इनको खेत में लेके चले गए, उनके इच्छा के विरुद्ध उनसे शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद इन लोगों लड़कियों ने फिर उनसे ज़िद की कि मुझसे शादी करो। इस पर वो लोग राज़ी नहीं हुए, इस पर बात तो तू मैं हो गई, लेकिन लड़कियाँ अपनी बात पर डिगी रहीं। इसी से शुभ होकर के उन लोगों ने दुपट्टे से उसका गला कस दिया है। ये कन्फेशन किया है अभी मुलजिमों ने। अभी PM चल रहा है, PM अभी हुआ नहीं है। PM में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे हम लोग आपको और अपडेट करवाएंगे। इसमें जो टोटल 4 लोग के अलावा, जब ये घटना इन्होंने कर दी है उसके बाद इन 3 लोगों ने 2 और लोगों को बुलवाया है, अपने 2 लोगों को। उनका नाम है कलीमुद्दीन सन ऑफ उर्फ DD सन ऑफ कलीमुद्दीन और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये 2 लोग वहाँ पर आए, मौके पर आकर उन्होंने साक्ष्य मिटाया, उन्होंने उसको लेके फंदे को टांगा है पेड़ पे। ये सारी बातें कन्फेशंस में हैं और सबूतों के आधार पे है जो वहाँ मौके पे हमने पाई हैं। इसके अन्यथा कोई भी बात अगर पाई जाती है PM से या किसी और माध्यम से तो हम लोग आपको अवगत करवाएंगे। इस मामले में क्या किसी से मुठभेड़ हुई और जिस तरह से कहा जा रहा है रेप भी हुआ है, तो रेप का इन प्लेस और जो शव का बरामद की है, क्या दोनों अलग अलग जगह थी? जी, उनके बीच में थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, वो लोग वहाँ से उठा करके उनको पेड़ तक लेके गए हैं, उस खेत के रेप खेत में हुआ है, उसके बाद उन्होंने उसको पेड़ पर टांग दिया है थोड़ी दूरी पर ले जा करके। इसमें जिसका इनकाउंटर हुआ है वो जुनैद है, ये आखिरी व्यक्ति था जो नहीं मिला था इन 6 में से। अभी लगभग आधे घंटे पहले बाद मुठभेड़ इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिस तरह से पोस्टमार्टम कुछ देर बाद होने वाला है। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।